नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं शैलेंद्र, आज हम जानेंगे जेई मेन के बारे में, है ना। जेई मेन्स आखिर होता क्या है ना, कौन कौन से लोग जेई मेन्स का एग्जाम दे सकते हैं, है ना, और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या, हर एक चीज जेई मेन्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं पूरा डाटा जो लिया हूँ जेई मेन 2023 के एग्जाम से लिया हूँ, है ना। आज मैं जेई मेन जेई का पूरा नाम क्या है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मेन इज ए सेंट्रल एग्जाम कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग प्रोग्राम। समझ आ गई बात को। ये जो एग्जाम होता है वो सेंट्रल एग्जाम होता है, है ना। और ये एग्जाम में अगर आप ये एग्जाम देंगे तो इसमें आप किस में एडमिशन ले सकते हैं, इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर और प्लानिंग में, है ना। एट सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, है ना, एंड इंस्टीट्यूशन and universities funded or recognized by participating state government. These include colleges like the IIT, NIT and so on. This exam has been conducted by the NTA, National Testing Agency, since 2019 से. Prior to this, it was conducted by the CBSE, Central Board of Education, Secondary Education. है ना। देखिए, अगर आप लोग जेई मेंस का पेपर देंगे तो आपको एडमिशन करने कहाँ मिलेगा, आईआईटी में पढ़ने का मौका मिलेगा, एनआईटी में, और भी जो भी गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज हैं, है ना, या प्राइवेट कॉलेज हैं, उसमें भी पढ़ने को मौका मिलेगा, है ना। जेई मेंस कंप्राइज टू पेपर, वन फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम एंड अनदर फॉर एडमिशन टू आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग प्रोग्राम। The exam also serve as an eligibility test for the JEE Advanced paper, which serve as the entrance exam for admission to the IIT. Aside from JEE Mains, candidates seeking admission to engineering program at IIT, NIT and other CFTIs, Central Funded Technical Institute, must have secured at least 75% in their 12th examination or be the top 20th percentile of the examination. For candidate from SC/ST background, the qualifying percentage is 65%, है ना? अगर आप लोगों का 12th में 75% है तब आप लोग JEE Mains का फॉर्म भर सकते हैं, है ना? भर नहीं सकते हैं, मतलब कि और भी लोग भर सकते हैं, है ना? और उनके लिए SC/ST वालों के लिए कितना है, 65%। For academic session 2022-23, the JEE Mains 1 paper will be conducted twice in 2 session, है ना, JEE Mains 2 session में होता है ना। This paper, the Ministry of Education, Department of Higher Education will give candidate several advantage. For one, it gives student first hand experience of the exam format and process, knowing there is the option of a second attempt. It will also ease the burden on student sitting for multiple examination. For example, if student find that one of the JEE Mains exam date clashes with another required competitive entrance examination, they will have to opportunity of taking it on another date. Candidates are not required to appear for both sessions, but if they do so, the better of their two score will be considered while in generating the All India Merit List ranking, है ना। अब देखिए, अब इसको हम इसके फॉर्मेट बेस कर देते हैं। फॉर्मल नेम क्या है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना, मेन जेई मेन। शॉर्ट हैंड क्या है, जेई मेन है। टेस्टिंग अथॉरिटी कौन लेता है, इसका टेस्ट लेता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, कब से, 2019 से। एग्जाम मोड क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब ऑनलाइन पेपर होगा। फ्रीक्वेंसी साल में कितने बार होता है, ट्वाइस ए ईयर, दो बार होता है। ड्यूरेशन क्या होता है, 3 आवर्स का होता है। सेक्शन क्या है, 6 सेक्शन होंगे, 2 सेक्शन इन ईच ऑफ 3 सब्जेक्ट, है ना। लैंग्वेज एग्जाम इज कंडक्टेड इन कौन कौन से एग्जाम में, लैंग्वेज एग्जाम कंडक्ट होता है, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, है ना। क्वेश्चन फॉर्मेट क्या है, मल्टीपल चॉइस एंड न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 90 हैं।
एग्जाम पैटर्न क्या है? देयर आर टू सेक्शन, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर ईच सब्जेक्ट, सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 10 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन ऑफ विच एनी फाइव आर टू बी अटेम्प्टेड। टोटल मार्क्स कितने का है? 300 का मार्क है। मार्किंग स्कीम क्या है? प्लस 4 फॉर करेक्ट आंसर, माइनस 12 फॉर इनकरेक्ट आंसर, है ना। नंबर ऑफ टेस्ट सिटीज कितनी रहती है? 501 शहरों में पेपर होता है ना। कोर्स अवेलेबल आफ्टर एग्जाम बी बीटेक और इंटीग्रेटेड बीटेक एंड एमटेक। वेबसाइट क्या है? jeemain.nta.nic.in, है ना। अब कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है? एड्रेस ये और कॉन्टेक्ट नंबर और जी मेल आई डी है। अब इसके बाद देखिए, अब जेई मेन्स का एग्जाम कब होता है, सॉरी जो डेट है, डेट ऑफ रिलीज नोटिफिकेशन, इसका जेई मेन्स का जो नोटिफिकेशन आएगा 1 मार्च 2022 मतलब कि मार्च में आता है, है ना। इस डेट को याद मत रखिएगा, मतलब ये सिर्फ मंथ बस याद रखिएगा, इस मंथ में आता है। रिलीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जून सेशन 1 मार्च को होगा और जुलाई सेशन नोटिफाइड किया जाएगा, है ना। लास्ट डेट ऑफ फिल एक महीना रहता है फॉर्म भरने के लिए, जून या जुलाई में, और एप्लीकेशन करेक्शन के लिए ये भी 1 महीने का रहता है, जून या जुलाई में। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड जून या जुलाई में आपका क्या जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना। एग्जाम डेट क्या था? जून या जुलाई में ही आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है फॉर्म भरने की? एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होगा, है ना। फॉर्म भरने का स्टेप टू अप्लाई, एप्लीकेशन फॉर्म कैन नाउ बी फिल्ड इन स्मॉल सेक्शन। स्टेप वन में क्या, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आफ्टर दिस एन एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड एंड इट विल बी यूज टू कंप्लीट द रिमेनिंग स्टेप ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड विल आल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर ऑल फर्दर रेफरेंस। दिस एप्लीकेशन नंबर विल बी रेफर्ड फॉर बोथ सेशन ऑफ जेई मेन्स 2020, मतलब कोई भी जेई मेन हो। एंड स्टेप टू क्या है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, और स्टेप थ्री क्या है, पेमेंट करिए आपको। डॉक्यूमेंट क्या कर चाहिए, स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट और PWD सब सर्टिफिकेट। अब एप्लीकेशन फीस क्या होती है, मेल जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लोगों में 650 रुपये, आउटसाइड इंडिया जो विदेश में रहे उनके लिए 3000 रुपये, फीमेल के लिए 325, आउटसाइड फीमेल 1500, मेल फीमेल SC ST PWD के लिए 325 और 1500 आउटसाइड, थर्ड जेंडर के लिए 325 वही आउटसाइड 1500 रुपये, है ना। पे पेमेंट आपको करना पड़ेगा किससे, नेट बैंकिंग के लिए, क्रेडिट कार्ड से, है ना, ये डेबिट कार्ड से, UPI किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब एग्जाम एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम एलिजिबिलिटी है ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2020 मतलब 2021 और दोज हु आर अपीयरिंग इन क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2022, है ना, आर एलिजिबल टू अपीयर इन जेई मेन, है ना, 2022। नोट, द एलिजिबिलिटी ऑफ पासिंग 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद 75% इज ओनली रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ टॉकिंग एडमिशन इन द इंस्टीट्यूशन। मतलब जो 75% मांगा है, अगर आप 75% से पास हैं तभी आपको IIT में एडमिशन मिलेगा, ये समझिए। फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन एडमिशन नहीं मिल पाएगा, है ना। क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है, द फाइनल एग्जाम ऑफ द 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय द रिकॉग्नाइज सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड, है ना। इंटरमीडिएट ऑफ 2 ईयर्स प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 2 ईयर्स कोर्स ऑफ द ज्वाइंट सर्विस विंग ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विथ ए मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट, है ना। एनी पब्लिक स्कूल पब्लिक बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री is recognized as equivalent to the 10+2 system by the association by Indian University. Higher Secondary Certificate Vocational Examination, a diploma recognized by AICTE or a State Board of Technical Education of at least 3 years duration, General Certificate Education Examination, London, Cambridge, Sri Lanka at the advanced level. High School Certificate Examination of the Cambridge University और इंटरनेशनल बैकलोरेट डिप्लोमा इज डिप्लोमा ऑफ द इंटरनेशनल बैकलोरेट
इसका क्या पढ़ते हैं भाई, पता नहीं, आप लोग कमेंट में करके बताइए कि इसको क्या पढ़ेंगे, है ना। ऑफिस जिनेवा किसी शहर का नाम है ना। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड दैट क्लास 12th एग्जामिनेशन आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम ए बोर्ड नॉट स्पेसिफाइड अबाउट शुड प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी टू द इफेक्ट दैट द एग्जामिनेशन दे हैव पास इन इक्विवेलेंट टू द क्लास 12th एग्जामिनेशन, है ना। इन केस क्लास 12th एग्जाम इज नॉट ए पब्लिक एग्जाम द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एट लीस्ट वन पब्लिक एग्जामिनेशन ईयरली। एज लिमिट क्या है? नो एज लिमिट फॉर जेईई मेंस, हाउएवर देयर कैन बी एज क्राइटेरिया बाय द इंस्टीट्यूशन विच द कैंडिडेट नीड टू फुलफिल फॉर गेटिंग एडमिशन। टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट 3 ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर्स आर अलाउड, लगातार है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, एनी अदर सब्जेक्ट, है ना। रिजर्वेशन ऑफ सीट, अदर बैकग्राउंड क्लासेस हु बिलोंग टू नॉन क्रीमिलियर 27% और एससी के लिए 50% और एसटी के लिए 7.5%, पीडब्ल्यूडी के 40%, डिसेबिलिटी 5%, इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। अब सिलेबस क्या है? सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना। अब ओवरऑल सिलेबस क्या है? फिजिक्स सेक्शन एक कंस्टिट्यूटिंग थ्योरी पार्ट वेटेज 80% एंड सेक्शन बी कंटेनिंग पार्ट प्रैक्टिकल कंपोनेंट 20%। द टॉपिक्स इन द सिलेबस आर फ्रॉम क्लास 11th एंड क्लास 12th सिलेबस। केमिस्ट्री में क्या है? सेक्शन ए फिजिकल केमिस्ट्री, सेक्शन बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सेक्शन सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द टॉपिक आर फ्रॉम क्लास 11th, क्लास एंड 12th। मैथमेटिक्स में क्या है? टोटल ऑफ 19 यूनिट कंप्राइजिंग ऑफ टॉपिक फ्रॉम द स्टैंडर्ड सिलेबस फॉर क्लास 11th एंड 12th, है ना। ये रहा क्या आपका पूरा, मैं बता दिया हूँ कि जेई मेंस आखिर क्या होता है, कहाँ एडमिशन मिलता है, उसके कितने पेपर होते हैं और कब एग्जाम इसका फॉर्म आता है, है ना। आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और फॉर्म आने से पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग से कोई गलती ना हो। तो मैं इस लेक्चर के यहाँ समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।